चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। कि अगर हम कुरान और सुन्नत की तालीमात की रोशनी में हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला हो, हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला हो, हजरत मुगीरा इब्न शोबा रजी अल्लाह तआला हो से इख्तलाफ राय रखते हैं, हजरत अली के मुकाबले पे उन्हें हम बातिल समझते हैं, अगरचे हम उन्हें सहाबी भी मानते हैं, जन्नती भी मानते हैं, रजी अल्लाह भी कहते हैं। अच्छा हमको सिखा रही। अगर हम कुरान और सुन्नत की तालीमात की रोशनी में हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला हो, हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला हो, हजरत मुगीरा इब्न शोबा रजी अल्लाह तआला हो से इख्तलाफ राय रखते हैं, हजरत अली के मुकाबले पे उन्हें हम बातिल समझते हैं, अगरचे हम उन्हें सहाबी भी मानते हैं, जन्नती भी मानते हैं, रजी अल्लाह अन्हु भी कहते हैं। हाँ माशाल्लाह इतने बड़े आलिम है। आलिम मैं कह रहा हूँ, जाहिल आदमी, मेरे पास कोई डिग्री नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। सब कुछ जाने के बावजूद आप अमीर मुआविया को रजी अल्लाह अन्हु किस दिल से और सोच के तहत करते कहते हैं? यार बड़ी बार जवाब दे चुका हूँ, छोड़ दो यार, दिल पे पत्थर आके कहते हैं हमें पता है, दिल पे पत्थर आके कहते हैं हमें पता है, दिल पे पत्थर आके कहते हैं हमें पता है। इस कुत्ती दे पुत्र नु पूछ, लानती दे पुत्रा जिन्ने वल्लैल दी जुल्फ कट्टी है। हाय और सुना और दस, पाक रसूल उन्हां दे दिल नु अगर ईमान ते इश्क नाल भरिया नहीं सन वेखणदा है ते रसूल इत्मीनान क्यों कीता है? अगर अंदरों मुनाफिक सी रसूल दा दीन वड़ना चांदा सी ते जदों एडा फल जालम लेके खलोता है नाल ही तौण ते फेर देंदा, गर्दन शरीफ ते फेर देंदा, पर रसूल वेख रहे सन ए मेरे दीन दी खातर मेरी खातर आप मर सकदा है, मेरे दुश्मनां नू मार सकदा है, मुआविया मैनू नुकसान नहीं पहुंचा। दिल पे पत्थर आके कहते हैं रजी अल्लाह अन्हु भी कहते हैं, दिल पे पत्थर आके कहते हैं ना ना ना, वो डरामी हो भाई, वो डरामी हो। मजा आया।